बच्चों रिप्रोडक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बच्चे का पैदा होना, नए बच्चे का पैदा होना उसके सेम स्पीसीज से जो पहले एग्जिस्ट कर रही हो। मतलब गधा का बच्चा गधा होगा, बंदर का बच्चा बंदर होगा, गधा गधा को पैदा करेगा, बंदर बंदर को पैदा करेगा, बिल्ली बिल्ली को पैदा करेगी, इंसान इंसान को पैदा करेगा, यानी इंसान गधे को पैदा कर देगा, इंसान बंदर को पैदा कर देगा। तो इसीलिए डेफिनेशन को बहुत अच्छे से अगर एग्जाम में आए रिप्रोडक्शन क्या है तो लिखना द प्रोसेस इन विच अ न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड, है ना। मतलब सिर्फ इतना नहीं बोलोगे कि द प्रोसेस इन विच अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, ऐसा प्रोसेस जहां पे एक नया बच्चा बन जाए, नहीं, ऐसा प्रोसेस जहां पे एक नया बच्चा बने ऑफ सेम स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो पहले वो एग्जिस्ट कर रहा था, पहले बंदर था तो उससे बंदर ही पैदा होगा, बिल्ली थी तो बिल्ली ही पैदा होगी, आया समझ में? तो क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ, द प्रोसेस इन विच अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, है ना, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, याद रहेगा? यस। रिप्रोडक्शन में हम पहले पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरह का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी, बोथ सेक्सेस आर देयर, मेल और फीमेल। असेक्सुअल में सिर्फ एक ही सेक्स, एक्चुअली देयर इज नो सेक्स, ए मतलब नो सेक्सुअल मतलब नो सेक्स, मतलब देयर इज नो मेल और फीमेल, ठीक है, एक ही पेरेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट होंगे, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, ठीक है, ठीक। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जी हम दो तरीके से देखने वाले हैं, एक यूनिसेल्यूलर, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल हो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर मैं बात करूं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन का वो मोड जहां पे एक ही पेरेंट हो, जहां पे कोई गैमेट्स नहीं बनता है, मतलब कोई सेक्सेल्स नहीं बनते हैं, देर इज नो स्पर्म और देर इज नो एग, है ना, देर इज नो फ्यूजन, उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर there is no involvement of gametes, there is no involvement of gametes, there is no involvement of sperm and egg is known as asexual reproduction and it is uniparental, याद रहेगा, ठीक। ये किसमें होता है? ये unicellular में, ज्यादातर unicellular में ही होता है, मतलब जिसकी body में सिर्फ एक ही cell होगा, उसकी body में organ ही नहीं है ना। हाँ, अगर हम बात करें humans की बेटा, तो हमारे body में reproductive के लिए एक organ ही है जो reproduction में हिस्सा लेता है, उनकी बॉडी एक ही सेल से बनी, उसी से खाएंगे, है ना, उसी से सांस लेंगे, उसी से सर्कुलेशन एक्सक्रीशन सब उसी से करेंगे, एक ही सेल से, ठीक है। तो यहां पे सिंपल हो जाता है, नॉर्मली एक सेल से दो सेल बन जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये किन में होता है असेक्सुअल, तो आप बोलना या तो यूनिसेल्यूलर में या तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वो जो सिंपल हो, जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं हो हमारी तरह, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी का सबसे जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है, फिर सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी अगर ये होगा तो कौन से मल्टी सेलुलर, जिनकी बॉडी एकदम सिंपल हो, है ना, जिनका स्ट्रक्चर सिंपल हो, जिनकी बॉडी सिंपल हो, है ना, ठीक, कॉम्प्लेक्स ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अगर मैं बात करूं बेटा जी यूनिसेल्यूलर की, कि यूनिसेल्यूलर में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो किसमें किसमें होता है, तो याद रखिएगा, पहले इसमें इसमें भी दो टाइप है, एक है हमारा फीजन, क्या फीजन, फीजन मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल्स इंटू टू डॉटर सेल इज बाइनरी फीजन, एंड स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट इंटू मल्टीपल डॉटर सेल्स इज नोन एज मल्टीपल फीजन। क्या क्या सर समझा नहीं, फीजन का मतलब टूटना, ये लो लिख दो टूटना, ठीक है टूटना, अच्छा सर, तो फीजन क्या बोलेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल का टूटना, पेरेंट सेल इंटू डॉटर सेल्स, इंटू डॉटर सेल्स, डॉटर सेल का मतलब क्या हुआ, डॉटर सेल का मतलब ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बच्चा, है ना, बायोलॉजी में हम लोग बच्चे को, चाइल्ड को डॉटर सेल भी बोलते हैं या ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, क्या ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा, अच्छा सर, तो फीजन का मतलब क्या, जब पेरेंट सेल से टूट के, जब पेरेंट सेल टूट के अगर
डॉटेड सेल बनाए, दो बच्चे बना दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो बेटा जी फ्यूजन ना दो तरीके के होते हैं। अच्छा सर कौन कौन सा? फ्यूजन में दो पार्ट होता है, एक होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा होता है बेटा जी मल्टीपल फ्यूजन। क्या? मल्टीपल फ्यूजन। ध्यान दीजिए यहां पे, बाइनरी नाम ही है, बाइनरी, बाई मतलब दो होता है। अच्छा मतलब जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूटे, यानी कि अगर पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूट जाए, ठीक है, मैं तो यार बच्चे को ही बड़ा बना दे रहा हूं, जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। याद रहेगा क्या? द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, और मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या? जब पेरेंट सेल, ठीक है, दो से ज्यादा सेल्स में टूट जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। याद रहेगा? यस सर, वेरी गुड। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन किसमें होता है। अच्छा सर, तो बाइनरी फ्यूजन की बात करो तो बाइनरी फ्यूजन होता है बेटा जी अमीवा में, अमीवा। अब कुछ लोग एग्जांपल बोलना अम्मी अब्बा है कि नहीं? सही बात तो ये है कि हमारे पेरेंट्स सच में, हमारे जो अम्मी अब्बा है वो अमीवा है, अमीवा हमारे पेरेंट्स जो है वो अमीवा है, अमीवा है ना। पहला सेल जो बना था सबसे पहले जब दुनिया बनी है ना, मैं पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन चैप्टर में, जब दुनिया बनी तो दुनिया में सबसे पहले जो सेल आया प्रोटोप्लाज्म उससे बना था अमीवा, और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और फिर इस तरीके से गधे बंदर बैल और ह्यूमंस आए, है ना। तो डिस्कस करेंगे हम उसको। तो ये अमीबा, अमीबा क्या होता है बच्चा? अमीबा जो है ना, अमीबा ये एक प्रोटिस्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा। पढ़े होगे सर? नहीं पढ़े, याद ही नहीं कुछ सॉरी अच्छा कोई बात नहीं, याद है तो। प्रोटिस्ट का मतलब ये समझो कि ऐसा किंगडम, देखो किंगडम एनिमेलिया मतलब एनिमल्स, प्लांटी मतलब प्लांट्स, फंगाई, फंगाई जानते हो ब्रेड मोल्ड है ना, ब्रेड पर लग जाता है फंगाई, उसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा होता है। ऐसे किंगडम जिसके एनिमल्स, जिसके लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? पानी में रहते हैं ज्यादातर, ज्यादातर वो या तो पानी में रहेंगे या तो किसी की बॉडी पे रहेंगे। सिंगल सेल वाले होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, और वो किसी के बॉडी में रहते हैं। पैरासाइट्स, पैरासाइट वो होते हैं, पैरासाइट। अब ये पैरासाइट क्या होता है सर? पैरासाइट का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहे और उसको नुकसान पहुंचाए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उसको नुकसान पहुंचाए। जैसे ये अमीबा अगर हमारे बॉडी में आता है तो हमको बीमारी हो जाती है अमीबियासिस, ठीक है, फिर डिसेंट्री चालू हो जाता है ना, पतला पतला पैखाना होगा, दस्त हो जाएगा, बार बार जाना पड़ेगा, बहुत एब्डोमेन में बहुत दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। तो अमीबा कहाँ मिलता है? अमीबा नदी और तालाब के पानी में मिलेगा। कहाँ पे रहता है अमीबा? नदी और तालाब के पानी में। अगर मैं बात करूँ तो ये अमीबा जो है प्रोटिस्टा, समझ में आया? अमीबा एक प्रोटिस्टा है। मतलब क्या? मतलब ये सिंगल सेल वाला एक ऐसा प्राणी है जो क्या है, या तो पानी में रहता है या तो किसी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं, ठीक है, और ये नुकसान पहुंचाते हैं भाई अगर किसी के बॉडी में गए तो, ठीक है। तो ये जो अमीबा होता है ना, ये मैंने क्या बोला, पॉन्ड वगैरह में मिल जाएगा, और इसका अगर मैं बोलूँ ना साइज तो आधा सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, आपके स्केल का 1 सेंटीमीटर ले लो उसका आधा कर दो, आधा सेंटीमीटर। मतलब इस अमीबा को हम लोग अपनी आँख से देख सकते हैं, है ना, 0.5 सेंटीमीटर होता है। अमीबा का शेप कुछ फिक्स नहीं है, इसका शेप ना, ये तो साइज की बात हो गई, है ना सर? ये क्या पढ़ा रहे हो, अमीबा के बारे में पढ़ा रहे हो क्या? थोड़ा सा जानना पड़ेगा ना। इसका शेप जो होता है ना इरेगुलर होता है, अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। शेप मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, इरेगुलर मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, उल्टा कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो शेप इरेगुलर होता है, आधा सेंटीमीटर का होता है। कैसे भी बना दो आप, ये बन जाएगा तुम्हारा अमीबा, कैसे भी बना दो, है ना, कैसे भी इरेगुलर शेप बना दो ऐसा, बस ऐसा कोन मत निकालना, इस तरीके से कोन मत निकालना, है ना, ऐसा ऐसा राउंड राउंड रखना। तो ये हो गया तुम्हारा अमीबा, इसमें मैंने न्यूक्लियस दिखा दिया, ठीक है, अमीबा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्यारा प्यारा अमीबा, ठीक है। ये मैंने जस्ट मेन चीज ये है न्यूक्लियस और ये सेल, भैया यूनिसेलुलर होता है, एक सेल वाला होता है अमीबा, ठीक है। ये जो अमीबा होता है ना बेटा जी, जब ये मैक्सिमम ग्रो कर लेता है, मतलब ये पूरी तरह से ग्रो कर लिया पूरा एकदम, इट रीच टू मैक्सिमम ग्रोथ, एकदम अच्छे से ये ग्रोथ कर चुका है, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, यानी कि इससे समझ में आएगा कि इसने ना क्या कर लिया है, ग्रोथ कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से अमीबा ने अभी क्या कर लिया, मैक्सिमम ग्रोथ, यहां पे लिख रहा हूं बेटा मैक्सिमम ग्रोथ, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम ग्रोथ करता है बेटा जी, तब ये बच्चे पैदा करता है ना, यानी कि जब ये मैक्सिमम ग्रो करेगा तब ये दो में टूट जाएगा। अच्छा क्या होगा इसके बाद? इसके बाद ना ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस,
ये थोड़ा सा मैक्सिमम ग्रो करने के बाद न्यूक्लियस थोड़ा सा इसका क्या होता है, इलोंगेट होता है, न्यूक्लियस थोड़ा सा लेंथन होता है, मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियस इलोंगेट्स, न्यूक्लियस थोड़ा सा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस क्यों बड़ा हो रहा है, ताकि न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, जब कोई भी सेल बेटा कोई एक सेल से अगर दो सेल बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस दो बनता है, तब जाके दो सेल बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है मैक्सिमम ग्रोथ करने के बाद, उसके बाद क्या होगा बेटा जी, कैसा भी शेप बना लो, है ना, उसके बाद ये दो न्यूक्लियस बन गया, देख एसएमईवाई के अंदर क्या बन गया, दो न्यूक्लियस, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ अमीबा का, इसको बोलते हम लोग कारियोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं बेटा जी, कारियोकाइनेसिस, कारियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या बोलेंगे कि अमीबा जो है पहले मैक्सिमम ग्रो करता है, अब फिर क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को इलोंगेट करता है, फिर वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर ये जो अमीबा है इस तरीके से दो सेल में अब टूटना चालू होगा, धीरे 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 वो ग्रुप होगा, और बाद में जाके एक दो अमीबा यहां पे बन गया, दो नए अमीबा। तो क्या देखा आपने कि एक सेल से, ध्यान दीजिए बेटा जी, एक सेल से दो डॉटर सेल बना, इसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। वो पेरेंट है हमारा, ये कौन है, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल को हम लोग मदर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जननी कौन होती है, मां, है ना, और फिर उससे भी आगे रिप्रोडक्शन होगा, तो वो भी कौन जनेगा, फीमेल, तो इसीलिए इसको डॉटर सेल बोलते हैं ना, डॉटर, हो सकता है सवाल आए डॉटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी आगे जाके दो अमीबा बनाएंगे, ये भी आगे जाके दो अमीबा बनाएंगे, इस तरह चलता रहेगा, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। कितने ऑफस्प्रिंग बने, दो ऑफस्प्रिंग बने, तो अमीबा से दो बच्चे बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं लोग, बाइनरी फ्यूजन। तो इस तरह अमीबा में क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, एक अच्छी बात बताऊं, यस, अमीबा को ना कुछ लोग मोर और लेस, अमीबा इज मोर और लेस नोन एज इमोर्टल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अमर है, कभी मरता नहीं, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो ये जो अमीबा है ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका डीएनए होगा, है ना, मान लो मैं किसी दूसरे कलर से इसका अंदर डीएनए बनाता हूँ ऐसा, तो ये डीएनए पहले डबल हो गया, यही डीएनए सेम, और यही एग्जैक्टली डीएनए दो अलग अलग न्यूक्लियस में चला गया इस तरीके से। तो ये देखो ये मरा थोड़ी ना, यही था, ये दो बन गया, क्या ये मर गया, यहां ध्यान दीजिए, क्या ये मर गया, नहीं, ये दो बन गया, डिक्टो जेनेटिकली एकदम सिमिलर है, मतलब ये पेरेंट और वो ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा डॉटर एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं जेनेटिकली भी, फिजिकली बाहर से दिखते तो सेम है ही, प्लस इनके जीन्स, इनका हर एक चीज सेम होता है, अमीबा का बेटा भी अमीबा, अमीबा का दादा भी अमीबा, अमीबा का पोता भी अमीबा, अमीबा का पूरा खानदान अमीबा, पहचान ही नहीं पाओगे कौन बाप है कौन बेटा है क्या है क्या, देयर इज नो वेरिएशन, दे आर एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। आ रहा है समझ में, यस सर, इसीलिए कभी कभी इसको लोग इमोर्टल भी बोल देते हैं। बाय द वे आपको इतना जानना नहीं है, इतना जानना है कि फ्यूजन मतलब क्या, स्प्लिटिंग इंटू डॉटर सेल्स, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इंटू डॉटर सेल इज फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट इंटू टू डॉटर सेल। इसी तरह बेटा जी बाइनरी फ्यूजन सिर्फ अमीबा में ही नहीं बल्कि और ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, ये भी प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब ये भी पानी में रहते हैं, नदी तालाब के पानी में मिल जाएंगे, ठीक है। इनका साइज बहुत छोटा होता है, 0.001 mm, बहुत छोटा, ये दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए, ठीक है। अगर ये आप देखना चाह रहे हो ना, ये आप देखना चाहते हो मान लो माइक्रोस्कोप से, तो क्या करने का, नदी या तालाब से पानी लेके निकाल के आने का, ऐसा पानी निकालो जहाँ पे एक्वाटिक प्लांट्स भी रहे, है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन दिखे, वो पानी लेके आओ, टेस्ट ट्यूब में डाल दो, ठीक है, जहाँ पे आपको जानना है। उसके बाद जब उसमें डालोगे तो उसमें क्या करो, थोड़ा सा व्हीट ग्रेन डाल दो, मतलब थोड़ा सा दाना अनाज, व्हीट ग्रेन कोई भी, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह डाल दो, ठीक है, या व्हीट ग्रेन डाल दो और एक्वाटिक प्लांट्स डाल दो, ठीक है। जब वो डीकम्पोज होंगे, जब वो सड़ेंगे खाना और वो, तो फिर अमीबा क्या होगा, अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अमीबा को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, याद रखना ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं दे आर इन फेवरेबल कंडीशन, यानी कि ये बच्चा तभी पैदा करेगा जब ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको खाना पीना बहुत अच्छे से मिलेगा तब,
जब इनका न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर इसको मिलेगा। सिंपल सी बात है यार, आदमी खाएगा पिएगा नहीं तो बच्चे कैसे पैदा करेगा यार, ताकत कहाँ से आएगी? बच्चे पैदा करने के लिए ताकत चाहिए ना भाई, एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कहाँ से आएगी? सिंपल सी बात है, खाएंगे पिएंगे तो ही। तो याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कब करेगा? जब वो फेवरेबल कंडीशन में होगा। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या? मतलब खाना पीना है ना, सब कुछ उसको बराबर मिलना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर सब बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, वहाँ पे सर्वाइव करना ही मुश्किल नहीं है, जिंदा रहना ही मुश्किल नहीं है, तो क्या खाक बच्चे पैदा करोगे? जिंदा ही नहीं रह पाओगे, बच्चे पैदा कर पाओगे? तो सब चीज़ डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी है, ठंडी कितनी है, है ना। हर हर एक ऑर्गेनिज्म को खाना पीना मिल रहा है कि नहीं बराबर, तब जाके रिप्रोडक्शन होता है। सिंपल सी बात है। अभी ये हो गया, तो ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो पैरामीशियम मैंने क्या बोला कि वो क्या करना उसको, हाँ टेस्ट ट्यूब में डालना, उसके बाद तीन चार दिन तक छोड़ दो। पांचवें दिन क्या करो, सुबह सुबह उठो और एक कांच के ग्लास पे एक ड्रॉप डाल दो, है ना, क्योंकि बहुत टूट फूट गया है, पूरा डिकम्पोज हो गया है पूरा खाना, व्हीट ग्रेन वगैरह अच्छे से। तो पांचवें दिन देखना सुबह सुबह, उसको ग्लास किसी ग्लास कांच के ग्लास पे डालना, फिर माइक्रोस्कोप से देखना, तो आपको दिखेंगे अमीबा और पैरामीशियम रिप्रोडक्शन करते हुए, है ना। खैर तो आप देख सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो अगर माइक्रोस्कोप अवेलेबल हो तो। वैसे स्कूल वगैरह में दिखाते हैं पैरामीशियम का सेप ना बेटा, थोड़ा सा ऐसा चप्पल जैसा होता है, इस तरीके से चप्पल जैसा होता है, और ना बेटा जी यहाँ पे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीलिया बोलते हैं, सीलिया, सी आई एल आई, सीलिया बोलते हैं इसको, सीलिया, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा ये होता है हमारा पैरामीशियम, ठीक है। ये पैरामीशियम जो चप्पल से दिख रहा है, ये सीलिया जो है ना, सीलिया इसका क्या काम है? तो देखो ये सीलिया होता है ना, इसका काम है खाने को माउथ तक लेना। मान लो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा माउथ है इसका, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा खाना है, तो ये क्या करेगा, सीलिया इस खाने को पुश करेगा यहाँ पे, फिर ये खाना, ये वाला सीलिया इसको पुश करेगा, फिर खाना यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आते 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 यहाँ माउथ में चला जाएगा। तो सीलिया हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन में हेल्प करता है। किसमें? लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या? मूवमेंट। और ये मूवमेंट क्यों कर रहा है? जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, खाना पीना इसको मिलेगा, ये इसका हाथ पैर है जिससे खाने को अंदर लेगा ये। सर अमीबा में ऐसा कुछ है क्या? हाँ बेटा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं ना पैरासाइट का, प्रोटिस्टा का, वो सब लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ, लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? खाना पीना के लिए। अमीबा पता है कैसे खाता है? ये अमीबा ले लो, पहले बता रहा हूँ, ये खाना है, मान लो यहाँ पे खाना है, तो अमीबा अपने आप, अमीबा में ऐसा ग्रोथ आएगा, एक इस तरीके से पैर जैसा आएगा, और वो खाने को ऐसा खींच लेगा, इनगल्फ कर लेगा, है ना, मतलब इनगल्फ मतलब क्या, लाल बत्ती ले लेना, चादर उड़ा के मार दो, इस तरह ये खाना को ऐसा इनगल्फ कर लेगा, अंदर खींच लेगा, और उसके बाद फिर खाएगा। समझ में आया? ठीक, इनगल्फ करेगा तो यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गन बनता है जिसको वैक्यूल बोलते हैं, उसमें ये खाना जाएगा, टूटेगा फूटेगा, फिर खाना पीना खा के फिर यहाँ से वो चीज़ निकल जाएगा, और ये थोड़ा सा टूट जाएगा, फिर यहाँ से खाना निकल जाएगा अपने। कहने का मतलब ये अमीबा जो है ना, अपने खाने के लिए क्या करता है, खाने के लिए छोटा सा एक पैर जैसा निकालता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सूडोपोडिया। सूडो मतलब फेक, पोडिया मतलब पैर, फेक पैर। अमीबा के पास लोकोमोशन के लिए क्या होता है? अमीबा के पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अमीबा के पास लोकोमोशन के लिए होता है सूडोपोडिया। क्या बेटा जी? सर जी, सूडोपोडिया, फेक पैर, जिससे क्या करता है वो खाना वगैरह लेता है। और पैरामीशन के पास क्या होता है? सीलिया। समझ में आया? यस सर। ये भी बाइनरी फिजन करते हैं। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे जो फिजन हुआ है वो हुआ है सिंपल फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बीएफ लिखना शॉर्ट में, बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी। अमीबा का क्योंकि शेप मैंने बोला इरेगुलर होता है, इसीलिए इसको किसी भी प्लेन से काट दो, मतलब ये जो इससे ये बना है, या तो ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, किसी भी प्लेन से काट दो, वो अमीबा बन जाएगा। इसमें कोई प्लेन फिक्स नहीं है, है ना, कि भैया नहीं ऐसे काटना पड़ेगा, नहीं भैया ऐसे काटना पड़ेगा। आपको मालूम है ना बेटा जी, अगर मान लो कोई चीज़ है ना, ऐसे अगर मैं इस चीज़ को ऐसे काट रहा हूँ तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कट, लॉन्गिट्यूडिनल, और ऐसे काट रहा हूँ तो ट्रांसवर्स। जैसे मान लो खीरा, कुकुम्बर, मान लो मैं कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा, कुकुम्बर, ये मान लीजिए कुकुम्बर है, ठीक, कुकुम्बर, और इस कुकुम्बर को आप ना
ऐसे काट रहे हो इस तरीके से, ऐसे 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 नहीं, ऐसे मत बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे बनाऊंगा। ये कुकुम्बर, इस कुकुम्बर को कैसे काटोगे तुमने, पता पता गोल 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 निकलेगा जो हम सैलेड्स में खाते हैं। तो ये कट को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कट। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कट, ट्रांसवर्स कट है ना, इस तरीके कट। और अगर ऐसे काट दोगे लंबा तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कट। क्या? लॉन्गिट्यूडिनल कट, याद रहेगा? यस सर। तो यहाँ पे सिंपल बाइनरी फिजन है, कैसे भी को किसी भी प्लेन से उसको काट सकते हैं, कट जाता है वो कैसे भी। लेकिन अगर हम काट नहीं सकते हैं, वो खुद डिवाइड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना पैरामीशियम की बेटा जी, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पैरामीशियम होता है ये इस तरीके से थोड़ा सा इलांगेट होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। मान लो इसका जो न्यूक्लियस है इस तरीके से इलांगेट होगा, ठीक है। और ये इस तरीके से ऐसे ये कटेगा, इस डिवीजन, इस डिवीजन। ऐसा कट को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स कट, याद रखना। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलूंगा मैं, ब्लू से बना दूं? एक तो हो गया सिंपल, दूसरा हो गया ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बाइनरी फ्यूजन। एक ये हो गया, एक ट्रांसवर्सल बाइनरी फ्यूजन हो गया, समझ में आया? ये कटेगा बेटा जी, फिर क्या होगा? फिर इससे नया चप्पल, चप्पल चप्पल बोला समझने के लिए, है ना, मतलब दो फिर से पैरामीशियम बन जाएंगे। पहले पहले क्या होगा, वापस मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या डिवीजन होगा, या बना दूँ एक बार बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन जाएगा। उसके बाद फिर पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवाइड होगा, फिर क्या ये दो बन जाएंगे इस तरीके से। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बने फिर से, है ना, दो न्यूक्लियस में आ गए। तो ये क्या हो गया हमारा, बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में दो केस देखा हमने, एक सिंपल बाइनरी फ्यूजन जहाँ पे कैसे भी कट सकता है, और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन यानी कि पैरामीशियम दिखाता है जो ट्रांसवर्सली कटता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो तो इसको इरेज करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद तीसरा जो होता है ना बेटा जी, बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहा हूँ मैं, बाइनरी फ्यूजन युगलेना भी दिखाता है। क्या? युगलेना, युगलेना, ठीक। ये भी प्रोटिस्ट है, ये भी पानी में रहता है, इसका भी साइज बहुत छोटा है, 0.001 mm के आसपास है युगलेना। ये कैसा दिखता है मालूम है क्या? इस तरीके से। यहां पे बेटा जी ये होता है युगलेना, इस तरह से युगलेना दिखता है, इसका स्ट्रक्चर है। और यहां पे इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। अब ये भी लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब अगर मान लो यहां पे फूड है तो इस फूड को ये फ्लैजेला इसको देगा। आया समझ में? जिस तरह पैरामीशियम में सीलिया, अमीबा में सुडोपोडिया था, उसी तरह फ्लैजेला इसमें होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या करेगा ये युगलेना? सबसे पहले यहां पे आ जाता है फ्लैजेला, एक ये फ्लैजेला और एक ये फ्लैजेला, इस तरीके से फ्लैजेला आ जाता है, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग अपनी सही नहीं है, ये दो फ्लैजेला आ गया और ये न्यूक्लियस क्या करने लगेगा बेटा जी? इलांगेट होने लगेगा, इस तरीके से न्यूक्लियस इलांगेट होने लगेगा। और बाद में क्या होगा? बाद में न्यूक्लियस इस तरीके से दो हो जाएगा। और यहां पर ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल कट, यहाँ पे जो कट होता है बच्चा वो लॉन्गिट्यूडिनल कट होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। तो देखो ऐसा होगा, इस तरीके से दो हो जाएगा, यहाँ पे एक फ्लैजेला और यहाँ पे एक फ्लैजेला, दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे भैया? ये दो डायग्राम थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, दो बन जाएंगे ऐसा समझ के लो। यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें में एक न्यूक्लियस, समझ में आया? तो ये है हमारा क्या? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पे लिख दो भाई। यस सर। एक था सिंपल, एक था ट्रांसवर्स, और एक क्या है हमारा? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में हमने तीन देखा, कौन कौन सा? सिंपल अमीबा में किसी भी प्लेन से वो कट हो जा रहा है। दूसरा पैरामीशियम में देखा हमने ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, मतलब ऐसे कटेगा वो, इस तरीके से यहां से कट होगा। और लॉन्गिट्यूडिनल किसमें देखा हमने? युगलेना में, ऐसे कटेगा। समझ में आया? यस सर। तो तीन तरह के बाइनरी फ्यूजन है। युगलेना के अलावा और मैं बात करूं बेटा जी, तो एक और होता है जिसका नाम है लिशमेनिया। क्या नाम है? लिशमेनिया। ये बहुत खतरनाक पैरासाइट्स हैं।
मतलब अगर ये किसी के बॉडी में आ गया तो एक बीमारी होती जिसका नाम है काला आजार। क्या नाम है? काला आजार, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक फीवर। क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जिसको होता है ना बेटा, उसकी पूरी बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं, पूरी बॉडी पे दाने दाने हो जाते हैं, इवन लीवर स्प्लीन फूल जाता है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, बहुत डेंजरस है ये ब्लैक फीवर, और इसका सिम्टम जल्दी पता भी नहीं चलता है कि उसको ब्लैक फीवर है कि नहीं। तो बहुत खतरनाक पैरासाइट है कौन? लिशमेनिया, है ना, लिशमेनिया। इससे क्या होता है? काला आजार होता है। ठीक है, तो उसी लिशमेनिया की बात कर रहा हूं मैं। वो लिशमेनिया कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा जी। इस तरीके से लिशमेनिया रहता है। इस लिशमेनिया में भी बेटा यहां पे क्या होगा? इस तरह से न्यूक्लियस, और यहां पे होता है फ्लैजेला। और फिर इसमें भी क्या होगा? यहां पे इस तरीके से न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, ठीक है, और इस तरीके से फ्लैजेला एक आ जाएगा, छोटा सा फ्लैजेला आएगा, और न्यूक्लियस क्या होने लगेगा? न्यूक्लियस इलोंगेट होने लगेगा इस तरीके से। फिर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, और फ्लैजेला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा भाई इस तरीके से। यहां पे दो न्यूक्लियस आ गए, दोनों में फ्लैजेला आ गया, और उसके बाद क्या होगा? ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहां पे भी डिवीजन कैसा हुआ? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। तो हमने देखा फीजन मतलब पेरेंट सेल का स्प्लिट हो जाना डॉटर सेल में, मतलब बाप जो है वो क्या कर दे, स्प्लिट हो गए, जब मेच्योर होने के बाद जब टूट जाए, दो टुकड़े में हो जाए या दो से ज्यादा टुकड़े में हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फीजन। उसमें पहले देखा बाइनरी फीजन। बाइनरी मतलब क्या? जो पेरेंट है वो दो में टूट जाए, है ना, स्प्लिट होके मेच्योर होने के बाद, बाइनरी फीजन। अगर किसी भी प्लेन से हो तो सिंपल बाइनरी फीजन, जो अमीवा करता है। अगर ट्रांसवर्स कट इस तरह से कट होकर दो डॉटर सेल बने तो कौन सा? ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन, वो कौन करता है? पैरामीशिया। और अगर लॉन्गिट्यूडनल कट के हो तो क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन, जो कौन करता है? लिशमेनिया और युगलेना। याद रहेगा, वेरी गुड। ये बात थी बेटा फीजन की। अब बाइनरी फीजन की, अब हम बात करेंगे मल्टीपल फीजन की। किसकी? मल्टीपल फीजन की। तो देखो मल्टीपल फीजन जो है ये कौन करता है, इसका तो देख लिया आपने एग्जांपल, यहाँ पे लिख देना अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना, लिशमेनिया। और मल्टीपल फीजन कौन करता है? तो मल्टीपल फीजन अमीबा भी मल्टीपल फीजन करता है, इसके अलावा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये भी मलेरियल पैरासाइट है, जिससे मलेरिया होता है। खैर, तो अमीबा भी करता है मल्टीपल फीजन। तो अमीबा तो बाइनरी फीजन करता है, तो बेटा जी ये फेवरेबल कंडीशन है। जब कंडीशन इसके फेवर में थी, जब खाना पीना धूप सब कुछ मिल रहा था, तब ऐसे हो रहा था। लेकिन जब कुछ नहीं मिलेगा, अनफेवरेबल कंडीशन, मान लो उस कंडीशन में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तब क्या करता है अमीबा? ये जो अमीबा है ना, मैंने क्या बोला, इसके पास फेक पैर होता है, सूडोपोडिया। ठीक है, ये जो है ये सूडोपोडिया। तो ये अमीबा क्या करेगा इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल जब कंडीशन इसके फेवर में नहीं होगा, जब खाना पीना नहीं मिलेगा और ऐसा लगेगा इसको कि अब इसकी स्पेसी खत्म हो जाएगी। देखो ना, अगर ये मर जाएगा तो इसके आगे नस्लें नहीं बढ़ेगी, स्पेसी फिर खत्म हो जाएगी, वहां पे इसका लाइफ अर्थ पे खत्म हो गया। तो इस कंडीशन में भी ये सर्वाइव करता है। कैसे सर्वाइव करता है? कैसे सर्वाइव करता है बता रहा हूं। देखो, जो भी सूडोपोडिया हैं, जो फेक पैर है, वो सब अंदर आ जाएंगे और ये पूरा राउंड बन जाएगा, ऐसा पूरा सूडोपोडिया इसका अंदर आ जाएगा और इस तरीके से राउंड शेप आ जाएगा। ये तुम्हारा मान लो सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से ये प्लाज्मा, ठीक है, राउंड राउंड हो गया। और इसके अंदर ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अब राउंड राउंड सारा सूडोपोडिया जो था वो राउंड शेप हो गया, और इसके ऊपर एक कवरिंग आ गई, इसके ऊपर एक कवरिंग आ गई बेटा जी, ठीक है। इस कवरिंग का नाम है सिस्ट। बहुत हार्ड कवरिंग होता है ये, इतना हार्ड कवरिंग कि कितना भी धूप आ जाए, कितना भी पानी, कुछ भी जो अनफेवरेबल कंडीशन इसके लिए है ना, एडवर्स कंडीशन, मतलब जहां पे ये स्टैंड कर सकता है। सिस्ट ऐसी कवरिंग होती है कि कुछ भी कर दो आप, कहीं फेंक दो उसको, तोड़ो, तोड़ने की कोशिश करो तो टूटेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड होता, सख्त होता है ये सिस्ट। तो अपने आप वो सूडोपोडिया राउंड बन जाएगा और एक कवरिंग बना देगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्ट, सिस्ट। और फिर अंदर में ही इस न्यूक्लियस का डिवीजन चालू हो जाएगा, है ना। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं इस तरीके से इसका साइटोप्लाज्म पूरा बना रहा हूं, इस तरीके से ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। बार बार यहां पे न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, मल्टीपल डिवीजन टेक्स प्लेस, मल्टीपल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे।
बहुत सारे न्यूक्लियस बने, ठीक है। और इस तरीके से तकरीबन 500 टू 600 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 500 टू 600। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब जब नॉर्मली जिसको जिसको इसको जितना धूप चाहिए उतना मिल जाए, इसको जितना पानी चाहिए वो मिल गया, इसको जितना खाना चाहिए वो मिल गया, सब कुछ अब लगेगा कि नॉर्मल है, इसके फेवर में है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो दिस सिस्ट विल बर्स्ट, हाँ ये सिस्ट रप्चर हो जाएगा। और यहाँ से फिर रप्चर होने के बाद ये जो है न्यूक्लियस निकल जाएगा। लेकिन याद रखना एक चीज़ और, इसके बाद जो न्यूक्लियस होगा, अभी मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ आगे, उसके बाद इसको बर्स्ट करता हूँ। अभी क्या बोला मैंने आपको, अभी मैंने बोला कि जब कंडीशन एकदम एडवर्स रहेगा है ना, उस टाइम में ये क्या कर लेगा, इसके न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद ये तुम्हारा सिस्ट है बेटा जी कवरिंग, और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है जो कितना 500 टू 600 न्यूक्लियस बन गए। अब ये जो न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, ये जो साइटोप्लाज्म था ये पूरा इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियट मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इन साइड द सिस्ट, सिस्ट के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर बनेगा, एंड देन फिर क्या होगा, फिर वो कवरिंग उसके ऊपर सेल वॉल आने लगेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म बनने लग जाएगा ये साइटोप्लाज्म, और उसके बाद फिर ये बर्स्ट होगा, उसके बाद ये टूटेगा इस तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारे अमीबा मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अमीबुली बोलते हैं, बहुत सारे अमीबुली इज फॉर्म्ड, मैक्सिमम 500 टू 600 अमीबुली बनते हैं यहाँ पे, सोचो इस कंडीशन में। और याद रखना सिस्ट तब तक नहीं फूटेगा जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आए, यानी कि मान लो कई साल तक कंडीशन फेवरेबल नहीं हुआ, कई साल तक उसको खाना पानी जो भी धूप छांव जो भी इसके लिए फेवरेबल है वो सब नहीं मिला अगर इसको, तो ये टूटेगा ही नहीं, बाहर से डेड रहेगा मरा हुआ और अंदर से जिंदा रहेगा, अंदर से सेल रहेगा, है ना। और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा ये टूट जाएगा और बहुत सारे अमीबुली बनेंगे, है ना, इसको बोलते हैं अमीबुली, है ना, और इसको अमीबी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमीबी, अमीबा इज सिंगुलर, अमीबी इज प्लुरल, अमीबुली बहुत सारे डॉटर सेल्स, ठीक है, समझ में आया। यही चीज प्लाज्मोडियम में होता है, यही चीज प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट, मतलब इससे मलेरिया होता है। सर मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, बेटा जी मच्छर एक कैरियर है, जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर है, फीमेल एनोफिलीज किससे होता है मलेरिया, तो बोलते हैं भाई फीमेल एनोफिलीज, ये जो फीमेल एनोफिलीज है ना बेटा जी, ये मच्छर कैरियर है, ट्रेन है जिसमें पैरासाइट प्लाज्मोडियम बैठा रहता है, और जैसे वो काटती है वो डंक में चला जाता है, ठीक है, तो उस ट्रेन मच्छर एक ट्रेन है, वो बस उसको ढोकता है, उसमें बैठ जाता है प्लाज्मोडियम, और जैसे ही मच्छर डंक मारती है प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में चला जाता है, फिर हमको क्या हो जाता है मलेरिया। तो ये मलेरिया पैरासाइट भी कैसा करते हैं, मल्टीपल फेजन करते हैं, मतलब वो एडवर्स कंडीशन में जब कंडीशन इस तरीके से होगा तब जाके वो क्या करते हैं मल्टीपल फेजन, सेम उनमें ऐसा सिस्ट बन जाएगा, ऐसे कवरिंग बन जाएगी सिस्ट, और बहुत सारे न्यूक्लियर डिवाइड होंगे, फिर साइटोप्लाज्म आ जाएगा, उसके बाद बर्स्ट हो जाएगा, और फिर बहुत सारे अमीबुली बन जाएंगे। इस तरीके से होता है मल्टीपल फेजन, क्लियर हो गया, यस सर। तो बाइनरी फेजन किसमें होता है, बाइनरी फेजन बैक्टीरिया में भी होता है, याद रखना बैक्टीरिया भी इसी तरह अमीबा जैसा ही डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फेजन, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं माइटोसिस, यानी कि एक सेल से दो सेल का बनना, है ना, सेल डिवाइड होना, सेल डिवीजन होना, और अपने जैसा ही होना, एकदम एग्जैक्टली उसके जैसा हो, तो उसको क्या बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है, जिसमें इक्वल डिवीजन होगा, मतलब मान लो ये इतना बड़ा तो इसका भी साइज इतना ही बड़ा होगा, इक्वल डिवीजन। तो ये माइटोसिस से भी होता है और अमाइटोसिस का मतलब अनइक्वल डिवीजन, मतलब जैसे अमीबा, मान लो अमीबा का ये शेप है, बाप इतना बड़ा हो सकता है, बेटा इतना बड़ा हो गया, शेप फिक्स ही नहीं है ना, तो इक्वल डिवीजन भी हो सकता है और अनइक्वल डिवीजन भी, जिस तरह पेरेंट है पेरेंट के जैसा ही वो डॉटर जो बनेगा एकदम इक्वल बनेगा अगर, तो उसको बोलते हैं माइटोसिस, और अगर अनइक्वल होगा तो अमाइटोसिस। तो जो बाइनरी फिजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, माइटोसिस और अमाइटोसिस, है ना, ये पूरा माइटोसिस से होता है या अमाइटोसिस, ठीक है, क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो बैक्टीरिया कौन कौन करेगा बाइनरी फिजन, बैक्टीरिया करेगा, अमीबा करेगा, लिशमेनिया करेगा, पैरामीसियम करेगा, ठीक है, युगलेना करेगा, और मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम करेगा, अमीबा करेगा इन एडवर्स कंडीशन,
जब conditions के फेवर में नहीं होगा, इन unfavorable condition. Clear है? Yes sir. Very good. तो अभी हमने देखा फीजन, तो ये हमारा पहला पार्ट था फीजन, जहां पे हमने देखा बाइनरी और मल्टीपल. अब दूसरा है बेटा जी हमारा बडिंग. क्या है बडिंग? अभी देखो नाम ही है बडिंग, तो पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा बड क्या होता है. तो देखो किसी के बॉडी में कोई भी आउटग्रोथ आना, उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग. मतलब देखो ये कोई बॉडी है और इसके ऊपर मान लो इसके टकले पे ऐसा कुछ आ गया, इसको बोलते हैं बड. बडिंग मतलब एक एन आउटग्रोथ. किसी भी बॉडी के ऊपर एक बाहर से ग्रोथ होना इज बडिंग, इज बड आउटग्रोथ. हमने प्लांट्स में भी देखा है कि कैसे स्टेम के पास है ना, स्टेम और लीफ के बीच में इस तरीके से सब बड रहता है. ये मान लो स्टेम है और यहाँ पे इस तरीके से लीफ है ना, तो इसके बीच में यहाँ पे ऐसे आता है बड. तो बाहर ऑर्गन में कोई भी आउटग्रोथ, बाहर की तरफ अगर कोई ग्रोथ होता है किसी के बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बड. बड मतलब क्या? आउटग्रोथ इन द बॉडी. ठीक है, बॉडी में आउटग्रोथ इज बड. तो ईस्ट जो है ना, ईस्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बडिंग की. किसकी? बडिंग की. यहाँ पर दूसरा लिख देता हूँ मैं, बड़े में सर दूसरा है हमारा बडिंग. ठीक है, क्या बेटा? बी यू डी डी आई एन जी, बडिंग मतलब बड का बनना. बड से होता है, इसलिए बडिंग बोलते हैं. बड से होता है, ये टूट के होता है इसलिए बोलते हैं फीजन. यहाँ पे बडिंग होता है. तो बडिंग जो होता है वो होता है ईस्ट में. ईस्ट क्या है? तो बेटा जी ईस्ट यूनिसेल्युलर फंगाई है. याद रखना जितने भी फंगाई हैं वो सब मल्टी सेल्युलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है. क्या होता है? यूनिसेल्युलर. अच्छा सर समझा नहीं बेटा. ब्रेड मोल्ड्स मालूम है, फंगस. ब्रेड खराब होता है, रोटी पे लग जाता है वाइट वाइट, फिर ब्लैक ब्लैक भी हो जाता है. हाँ वो ब्रेड मोल्ड्स है, वो भी फंगस है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं. ये यूनिसेल्युलर फंगाई होता है. ये पता है ना, ब्रेड में मिलाते हैं, देखो ईस्ट पाउडर मिलाते हैं, उसके अंदर ये फंगाई होता है. और ये क्या करता है? CO2 गैस बनाता है, अल्कोहल बनाता है. इसीलिए इसका ब्रूरी इंडस्ट्री में अल्कोहल वगैरह बनाने में इसका ईस्ट का इस्तेमाल होता है. ब्रेड में इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये CO2 गैस बनाता है, जिसके से ब्रेड फूल जाता है, फ्लपी हो जाता है ना, एकदम फूल जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है. तो ये वही ईस्ट है, ये ईस्ट है हमारा. इसके पास ये न्यूक्लियस है. ठीक, तो जब ये मैक्सिमम ग्रोथ कर लेता है ना बेटा जी, जब ये मैक्सिमम ग्रोथ कर लेता है ना, तो इसके टकले पे एक बड आ जाता है इस तरीके से, है ना. इसको क्या बोलते हैं? बड. अब बड आ जाता है, इसके बाद फिर ये बड क्या होता है? मैक्सिमम ग्रो करता है, ऐसे बना, ऐसे बना. अब ये इस तरीके से ग्रोथ करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ऐसे बना रहूंगा. ठीक है, ग्रो किया और फिर बाद में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और अपना संसार अलग बसाएगा, है ना. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, है ना. अभी बड़ा हो गया तो अब जाने जाने बोलता है, तो बाप बोलता है जा बेटा जी ले अपने जिंदगी, है ना. अब ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई? अब ये दोनों हो जाएंगे अलग, और इस तरह होता है बडिंग. बड बना और फिर वो डिटैच हो गया, है ना, इसकी बॉडी से. तो बडिंग में ना दो तरह से होता है, मतलब एक तो ये बड अलग हो गया, और कभी कभी क्या होता है ना, ये बड, एक मिनट, ये बड से एक चेन बन जाता है, इसके ऊपर एक और बड, इसके ऊपर एक और बड, इस तरह बडिंग पूरी चेन बन जाती है. और फिर कुछ टाइम के बाद ये सारे के सारे बड जो है ना, सारे के सारे बड अलग अलग हो जाते हैं, और फिर ये अपना मैच्योर होते हैं, अपनी जिंदगी खुद बिताते हैं, और फिर बाद में आगे जाके फिर से रिप्रोडक्शन करते हैं. तो बडिंग समझ में आया? यस सर. ठीक है, इस तरह के बडिंग को बोलते हैं चेन बडिंग, चेन बडिंग, है ना, बडिंग. और ये जो बडिंग है नॉर्मल बडिंग, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली टूट जाएगा या फिर चेन बनाएगा, ये दो तरीका. समझ में आया? यस सर. तो बडिंग हो गया. दूसरा बडिंग में किस में होता है बडिंग? तो ईस्ट में, याद रखना किस में होता है? ईस्ट में. हाँ सर. अब नेक्स्ट तीसरा जो बेटा है, दो प्रोसेस अभी तक हमने देखे, फीजन और बडिंग. तीसरा होता है बेटा जी, मतलब यूनिसेल्युलर में ये दो ही होते हैं एक्चुअली. ये बात कर रहे थे हम लोग यूनिसेल्युलर की, अब मैं बात करूंगा किसकी? मल्टी सेल्युलर. अब बात करेंगे हम लोग मल्टी सेल्युलर की. ठीक है, उससे पहले बेटा एक एक्टिविटी बता दूं मैं बडिंग का. अब बडिंग देख सकते हो माइक्रोस्कोप से. ईस्ट की, ईस्ट पाउडर ले लो, है ना, बेकिंग पाउडर, इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, मार्केट में मिल जाएगा, है ना, इसीलिए उसका इस्तेमाल करते हैं ना, ढोकला फोपला पूरी वगैरह बनाने में, जिससे फूल जाता है, ब्रेड बनाने में. तो बेकर्स ईस्ट बोलोगे तो अब मिल जाएगा मार्केट में. तो वो जो ईस्ट है ना, वो 5 ग्राम लेना और 10 ग्राम शुगर ले लेना, चीनी, दोनों को मिक्स कर देना 50 ml पाउडर में, पानी में. ठीक है, आराम से
उसके बाद एक दो घंटे के बाद उस सॉल्यूशन को किसी ग्लास पे रखना और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखना, तो आपको दिखाई देगा बडिंग चालू हो गया, ईस्ट रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाय द वे अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा जी, तो इसमें भी अलग अलग मेथड हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिनकी बॉडी सिंपल होती है वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा पाते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ फ्रैगमेंटेशन, क्या फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, ये बिल्कुल बाइनरी फ्यूजन के जैसा ही है, बस इसमें और इसमें ये फर्क ये है कि बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो यूनिसेलुलर में होता है और फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो मल्टीसेलुलर में होता है। यहाँ भी दो टुकड़े बटने वाले हैं और ये किस में होता है बेटा जी, ये होता है स्पायरोगायरा में, किसमें स्पायरोगायरा, ठीक है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ना कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा, ये ऐसे बना रहा हूँ मैं, इसके फिलामेंटस बॉडी होती है और इस तरीके से ना उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है अपनी लेकिन हम जस्ट ट्राइंग, इस तरीके से बेटा जी ये होता है हमारा स्पायरोगायरा। सबसे पहले स्पायरोगायरा को खूब पानी उनी मिला, खाना पीना मिला, न्यूट्रिशन मतलब फेवरेबल कंडीशन मिला, खूब खाना पानी मिला, तो ये क्या करेगा, ये और अच्छे से ग्रो करेगा है ना, इलोंगेट हो जाएगा, ये मतलब मस्त ग्रो कर लिया। इसके बाद जब ये ग्रो करेगा तो फिर बताओ क्या होगा, यहाँ पे इसके दो फ्रैगमेंट हो जाएंगे, मतलब दो टुकड़े इसके भी हो जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। मल्टी सेलुलर होते बहुत सारे सेल हैं है ना, इसलिए मैं न्यूक्लियस ज़्यादा बना रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा बेटा जी, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट में बढ़ जाना, ठीक है। जब ये मैक्सिमम ग्रो कर लिया, खाना पीना इसको खूब मिला, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इट ग्रोज मैक्सिमम एंड फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो जाना, तो फ्रैगमेंटेड है ना। इसको फ्यूजन नाम इसलिए नहीं दिया वरना कन्फ्यूज हो जाते, इसलिए फ्रैगमेंटेशन, यहाँ भी ये दो में टूट जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, दो स्पायरोगायरा बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। समझ में आया? यस सर। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या, जहाँ पे एक पेरेंट से दो पेरेंट बन जाए, फिर दो से चार, चार से आठ, इस तरह बनता रहे, ठीक है। वो किस में होता है, स्पायरोगायरा में। जब आप ये भी आप देख सकते हो, आप क्या करना कि नदी का वो पानी लेना जहाँ पे बहुत सारा आप देखोगे कि ग्रीन ग्रीन एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, उसको उठाओ, ठीक है, उसको लेके आओ घर पे और फिर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरीके से आपको स्पायरोगायरा दिखाई देगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एकदम पतला है ना। और उसके रिप्रोडक्शन को भी देख सकते हो, अगर आप उसमें वीट ग्रेन वगैरह डाल दिए तो देखेगा कि इस तरीके से वो मैक्सिमम ग्रो करेगा, फिर दो में टूट जाएगा, फिर वो चार में टूट जाएगा, इस तरीके से ये दो में टूटेगा, ठीक है, फिर ये दो में टूटेगा और इस तरह रिप्रोडक्शन होता रहता है। तो ये बात किसकी थी, फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद बेटा जी दूसरा जो होता है ना वो होता है हमारा फिर से बडिंग। बडिंग सर, बडिंग तो उसमें देखा, हाँ बेटा बडिंग यहाँ भी है, वहाँ यूनिसेलुलर में देखा, यहाँ अभी मल्टी सेलुलर में। तो मल्टी सेलुलर में बडिंग कौन करता है बेटा जी, तो मल्टी सेलुलर में एक चीज़ और, स्पायरोगायरा के अलावा कुछ स्पॉन्जेस लाइक साइकोन, साइकोन एक स्पॉन्जेस होता है बेटा जी, ठीक है, जिसको हम आगे 11 वगैरह में पढ़ेंगे डिटेल में, स्पॉन्जेस, उसकी बॉडी स्पॉन्जेस जैसी होती है, ठीक है। वो एक सबस्टेटम यानी कि किसी पत्थर उत्थर से अटैच रहता है और जब बॉडी उसकी मैक्सिमम ग्रो कर लेती है तो फिर दो में बन जाएगा, फिर वो दोनों किसी पत्थर में जाके जुड़ जाएगा, इस तरह मतलब कहने का, तो वहाँ भी फ्रैगमेंटेशन होता है, मैक्सिमम ग्रो होगा और दो पार्ट में टूट जाएगा। बडिंग जो होता है बेटा जी वो होता है हाइड्रा में, हाइड्रा, हेल हाइड्रा। हाइड्रा जो है ना एक एनिमल है, याद रखिएगा, प्लांट नहीं है, है ना। मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था इसको लेकर के जब मैं बहुत पहले पढ़ता था, लेकिन ये एनिमल है, आप लोग कन्फ्यूज में मत रहिएगा। अच्छा, ये जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा वो इस तरीके से होता है और यहाँ पे ना इस तरीके से इसको टेंटैकल्स होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेंटैकल्स, क्या बोलते हैं, टेंटैकल्स, ऐसा निकला होता है सूंड जैसा, है टेंटैकल्स, ये हमारा हाइड्रा है। ये हाइड्रा क्या क्या होता है ना बेटा जी, ये न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये हाइड्रा, यहाँ पे भी इस तरह से एक आउट ग्रोथ हो जाता है। बड का मतलब क्या, मैंने बोला आउट ग्रोथ, तो किस तरीके से आउट ग्रोथ हो जाता है ऐसा, अब क्या बोलते हैं इसको, बड, बड। और फिर क्या होता है ना बेटा जी, कि ये जो आउट ग्रोथ इसमें आया है ये ग्रो करने लग जाता है ऐसा, और मैक्सिमम ग्रो करने लग जाता है इस तरीके से, ठीक है यहाँ पे। लेकिन याद रखना वो इसकी बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है और धीरे 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 ये और ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। तो इसकी देखो, यहाँ पे टेंटैकल्स बना देता हूँ मैं पहले, ठीक है, इस तरीके से टेंटैकल बना दे रहा हूँ। ये मैक्सिमम ग्रो किया बड़,
ठीक है, याद रखना कि इसका खाना पीना सब इसको पेरेंट से ही मिलता है, क्योंकि देखो इसकी डाइजेस्टिव कैविटी है, जो कैविटी है पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव कैविटी, और इसकी सेम है, इसका डर्मल लेयर मतलब स्किन वगैरह सब इसके सेम है अभी, तो खाना पीना न्यूट्रिशन वगैरह सब इसको पेरेंट से मिलता है। फिर जब और मैक्सिमम ग्रो कर लेता है तो इसमें भी बेटा जी आने वाले वक्त में टेंटैकल्स ऐसे छोटे 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 टेंटैकल्स ऐसे आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो माँ बाप से अलग हो जाता है और अपना संसार, अपनी दुनिया अलग बसाता है। इस तरीके से दो हाइड्रा, मतलब एक हाइड्रा से दो पेरेंट, एक पेरेंट से इस तरीके से ये हाइड्रा बन गया, तो उसको बोलते हैं लोग बडिंग, बड बना और फिर उससे दो हाइड्रा बन गए, समझ में आया, डॉटर सेल बन गए, ये पेरेंट था इससे डॉटर सेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बडिंग। बडिंग किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। और बात करूं अगर तो बेटा जी तीसरा होता है रीजनरेशन। क्या 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 रीजनरेशन, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां ध्यान दीजिए बेटा, रीजनरेशन, ठीक है, री फिर से जनरेट हो जाना। छिपकली देखा, लिजार्ड, होम लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, हमारे घर वाला छिपकली, छिपकली मसककली, छिपकली, ठीक है, मालूम है छिपकली बना रहा हूँ यार, छिपकली बनाने तो आता नहीं है, ट्राई कर रहा हूँ, हंसना मत आप लोग यार। ये मान लो छिपकली की ऐसी पूँछ है ये, है ना, गलती से उसकी पूँछ कट जाती है, ये पूँछ कट गई तो कुछ टाइम बाद वापस वो पूँछ आ जाती है, कैसे, तो उस छिपकली के पास एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिससे वो वापस से उसको रीजनरेट कर लेता है, समझ में आया क्या, छिपकली के पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल, जो क्या कर लेती है, उसको रीजनरेट कर लेती है, फिर से जनरेट कर लेती है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। लेकिन ये लिमिटेड है, लिमिटेड इसलिए क्योंकि वो पूंछ टूटा तो उससे कोई बच्चा नहीं बना, सिर्फ पूंछ बना, दैट इज रीजनरेशन, नहीं समझा, अभी समझेगा, एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, अभी क्या है चीजों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा बार बार मिटाना पड़ता है, बोर्ड कम पड़ जाता है, ठीक है। देखिए अभी यहां पे, यहां ध्यान दीजिए प्लीज, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक फ्लैट वॉर्म है, कीड़ा, फ्लैट कीड़ा, फ्लैट वॉर्म, चपटा, इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है बेटा जी, इस तरीके से होता है, है ना, ऐसा, ये होता है प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना कि अपने आप रिप्रोडक्शन नहीं करता है। मान लो गलती से ना तुम जा रहे थे और तुमने प्लेनेरिया पे पैर रख दिया और प्लेनेरिया के हो गए दो टुकड़े, मान लो तीन टुकड़े हो गए, एक दो तीन, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा और यहां पे ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, ठीक है, ये तीन टुकड़े हो गए। आपको मैं बताऊं ये तीनों टुकड़े ना आफ्टर सम टाइम्स ग्रो कर जाएंगे, मतलब इसके नीचे पूरा इस तरीके से पूरा बॉडी आ जाएगा और ये बन जाएगा, यहां पे ये था, इसके बॉडी में पूरा इस तरीके से आ जाएगा, ये बन जाएगा और इसके बॉडी में भी इस तरीके से आ जाएगा और ये भी बन जाएगा, मतलब एक्सीडेंट से ये इसमें बच्चे पैदा होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन एक्सीडेंटल होता है, तो इसीलिए रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन बोलना मुनासिब नहीं है सही तरीके से, हालांकि रिप्रोडक्शन ही बोलेंगे क्योंकि एक ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, नए ऑफ स्प्रिंग का आना, नए बच्चे का आना, पेरेंट्स से एक नए बच्चे का आना, चाहे कैसे भी आए, है ना, तो यहाँ पे भी रीजनरेशन को हम बोल सकते हैं कि चलो रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ जनरेशन, ठीक है। एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो पूरी तरह से रिप्रोडक्शन नहीं बोला जा सकता है, हालांकि रिप्रोडक्शन ही बोलेंगे हम, अब ये याद रखो कि ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इट इज़ अ लिमिटेड रिप्रोडक्शन। मान लो तुमने क्या लिया, तलवार लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए प्लेनेरिया के, जितने टुकड़े करोगे उतना नया प्लेनेरिया पैदा हो जाएगा, तो गॉड की देखो लीला, मतलब एक्सीडेंटली ये रिप्रोड्यूस करता है और इसकी स्पेसिस बढ़ती रहती है, तो क्या ये मरता नहीं है, बिल्कुल मरता है, मिक्सर में डाल दो, मिक्सर चला दो, मौत हो जाएगी, फिर ये नहीं कि मिक्सर में जितने टुकड़े करोगे उतने टुकड़े बन जाएंगे, नहीं भाई, तब वो मर जाएगा, आया समझ में, तो प्लेनेरिया के जितने टुकड़े आप करोगे यहाँ पे, है ना, एक्सीडेंटली जितने टुकड़े हो जाते हैं उससे नहीं आता, इसलिए बोलते हैं रीजनरेशन, तो दिस इज पूरा फुल रीजनरेशन, ये था लिमिटेड रीजनरेशन, अभी समझ में आया, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ टेल आया क्योंकि वहां पे स्पेशल टाइप का सेल था, वहां से टेल आ गया और इस तरीके से, ये नहीं कि इसके टेल से नया ऑर्गेनिज्म आ गया, नई छिपकली पैदा हो गई क्या,
ऐसा रहता तो छिपकली के टुकड़े करते तो छिप नहीं छिपकली बन जाती, बहुत सारे छिपकली। तो ऐसा नहीं होता है ना, इंसानों में ऐसा होता है हाथ कट जाएगा तो हाथ से नया इंसान बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये सिर्फ प्लानेरिया में होता है और इस तरह के और भी ऑर्गेनिज्म में। प्लानेरिया ध्यान में रखो, रीजनरेशन किस में होता है? प्लानेरिया, प्लानेरिया, ठीक। उसके बाद पहले देखो फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या बेटा जी? स्पोर फॉर्मेशन। सर ये क्या होता है? देखिए बता रहा हूं, सबसे पहले समझिए कि ये हम बात कर रहे हैं ब्रेड मोल्ड, पता है ब्रेड मोल्ड सबको? यस सर, रोटी पे, चपाती पे जो ब्रेड है, ब्रेड उसको रख दो है ना एक आध दो दिन के लिए, तो उस पर वाइट वाइट लग जाएगा है ना, वाइट वाइट हो जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद और रख दोगे तो एकदम ब्लैक हो जाएगा। क्या होते हैं वो? ब्रेड मोल्ड होते हैं, है ना। उनका नाम पता है क्या? उनका नाम राइजोपस और म्यूकर है ना, इस तरीके से राइजोपस हो गया या म्यूकर हो गया। दोनों के स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा फर्क है, जो इस तरीके से उनमें एक हाइफी होता है, इसको बोलते हैं हाइफी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वाइट कलर का, जिसको बोलते हैं हाइफी। इस तरीके से हाइफी होता है यहाँ पे, इस तरीके से ये प्लांट होता है। और इसमें बेटा जी ना इस तरीके से ऐसा, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरेंजियम। तो अगर नीचे में इस तरीके से इसको, नीचे जो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स बोलते हैं नीचे जो स्ट्रक्चर होता है हाइफी के नीचे। तो हाइफी के नीचे अगर स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं राइजोइड्स, तो उसको बोलते हैं राइजोपस। जिसमें ये राइजोइड होगा उसको बोलेंगे राइजोपस, जिसमें ये राइजोइड नहीं होगा उसको बोलते हैं म्यूकर। दोनों ब्रेड मोल्ड्स हैं, क्या? चाहे राइजोपस बोलो चाहे म्यूकर, दोनों क्या है? ब्रेड मोल्ड्स। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है? तो इनमें ना बेटा जी ये जो है ना, ये इसको आप स्टेम बोल सकते हो, ठीक है, या स्पोरोफिट बोलते हैं इसको। और यहां पे जो दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। अकेला आपको स्पोरेंजियम और बहुत सारे को बोलेंगे स्पोरेंजिया। राइटिंग समझ में आ रही है? ध्यान दो, ठीक है। मैं मैनेजर को बोल दूंगा कि इसको थोड़ा सा एडिट कर दे, आपको कुछ लिख के वहां पे आ जाए। तो स्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये जो स्पोरेंजियम होता है यहाँ पे, इसके अंदर ना छोटे 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 स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स से मुझे एक चीज़ याद आई, तो मैं बता रहा हूँ, जो प्लाज्मोडियम में जो हो रहा था ना मल्टीपल फिजन, वहाँ पे एक बार में 1000 डॉटर सेल बनते हैं। अमीबा में 500 to 600 बनते हैं और इसमें 1000 डॉटर सेल बनते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे 200 से 300, 400, 500 स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स क्या होता है तो इसे समझो, स्पोर जो है ना, स्पोर एक हार्ड स्ट्रक्चर है, समझो एक हार्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सीड जैसा है, सीड जैसा है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक हार्ड कोट होता है, हार्ड कोट, ठीक है। इसलिए हार्ड कोट होता है ताकि कोई टेम्परेचर, हीट, गर्मी वगैरह या कोई भी चीज उसको तकलीफ ना दे पाए, ठीक है। और ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में ही रिप्रोड्यूस करता है, मतलब ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तब जाके क्या करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब अभी ये तुम्हारा ब्रेड मोल्ड, अभी क्या कर लो, तुमने क्या कर दिया, मान लो रोटी या ब्रेड रख दिया वहाँ पे। तो रोटी ब्रेड जब रखते हैं ना, तो एयर में, हवा में जो है ना ब्रेड मोल्ड्स, वो घूमता रहता है, बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट, और इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। पहले समझो स्पोर क्या होता है, बहुत छोटी चीज़ होती है, सीड जैसी, बीज के जैसा, जो हमको दिखता भी नहीं है, लाइट वेट होता है, एयर में मूव करता रहता है, ठीक है। तो एयर में मूव करता रहता है, जैसे ही उसको ब्रेड मिलता है या वो उस पर चला जाता है, चिपक जाता है वो, और फिर धीरे 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 रिप्रोडक्शन करता है ना, उसको सारी चीज़ें मिलेगी जब सॉइल मॉइस्ट वगैरह होगा तो, और रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे ब्रेड मोल्ड बनाने के। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये स्पोरेंजियम टूटता नहीं है, स्पोरेंजियम के अंदर ये बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं लाइक अ सीड। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाता है, ये स्पोर्स फट जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, और यहाँ से स्पोर्स क्या होते हैं, फिर निकल जाते हैं और हवा में घूमते हैं एयर में, और फिर जहां पे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा वहां से अपना न्यूट्रिशन लेके अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। और जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो इस तरीके से क्या करेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर जमा करते रहेंगे स्पोर्स को, बहुत सारे को, 400, 500, 600, फिर जितना हो गया फिर फटेगा स्पोर्स, फिर अलग अलग जगह पर जाएंगे जहां पर उनको खाना पीना मिलेगा, फिर वहां पर वो ग्रोथ करेंगे। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन, जो किसमें होता है, राइजोपस में। क्लियर हुआ यहां तक? काम करो, स्क्रीन शॉट लो, हो सकता है कुछ चीज़ें इरेज करनी पड़े, फिर फटाक से एक लास्ट टॉपिक को क्लियर करता हूँ। चलिए बेटा जी, लास्ट है हमारा, दैट इज फिफ्थ, व्हाट?
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सर ये क्या होता है? देखिए बेटा जी, प्लांट जो होता है ना, प्लांट उसमें दो पार्ट होते हैं, एक फ्लावरिंग पार्ट और एक वेजिटेटिव पार्ट। क्या फ्लावरिंग पार्ट? मतलब फ्लावर के अंदर जो फ्लावर होते हैं ना, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे फ्लावर के बारे में। फिलहाल समझो जो प्लांट में खाने वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। यानी कि ये प्लांट है, इस प्लांट का स्टेम, इस प्लांट का लीफ, ठीक है, स्टेम लीफ, इस प्लांट का रूट। और देखो रहोगे आप, लीफ और स्टेम के बीच में इस तरीके से बड आता है, बड, और इस प्लांट का बड, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन, वेजिटेटिव ऑर्गन। और अगर इससे रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि हम आगे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि फ्लावर जो है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फिर फ्रूट से सीड बनता है, सीड फिर सीड को जब जमीन में डालते हैं तब जाके नया प्लांट आता है। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर से होता है। लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट, वो पार्ट जो खाए जाते हैं, स्टेम खाते हैं हम, पोटैटो, पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, पोटैटो एक स्टेम है, रेडिस खाते हैं, कैरेट खाते हैं, गाजर, मूली, ये सब रूट्स हैं। इसके अलावा लीफ खाते हो, पालक वगैरह खाते हो कि नहीं खाते? तो ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स है, मतलब खाने वाले पार्ट्स। तो स्टेम या लीफ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव ऑर्गन लाइक स्टेम लीफ बड रूट्स टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जहां पर यह सब हिस्सा ले रिप्रोडक्शन में उसको बोलते हैं लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये कैसे होता है देखो, अगर मैं बात करूँ स्टेम में तो पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो में आपने देखा रहेगा सर इस तरीके से गड्ढा होता है, डीप डीप, इस तरीके से डीप डीप गड्ढा होता है, देखा रहेगा आपने। कभी कभी उसमें वाइट वाइट बड आ जाता है, देखा है? मान लो मानसून चल रहा है, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा उसको क्या होगा, मॉइस्ट आ गया, थोड़ा सा वहाँ पे पानी वगैरह, मॉइस्चर वगैरह उसको मिल गया, तो वहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ा सा बड बन जाता है, वाइट वाइट दिखा रहेगा आपने। और फिर वहाँ से क्या होता है, झार आ जाता है, वहाँ से छोटा सा प्लांट ग्रीन ग्रीन दिखेगा आपको, वो प्लांट आ जाता है ना। तो उसको अगर आप जमीन में डाल दोगे, जमीन में, तो फिर नया पोटैटो प्लांट बन जाएगा। मतलब उस स्टेम से हमने क्या कर दिया, नया प्लांट बनाया, रिप्रोडक्शन हुआ, नया ऑर्गेनिज्म आया, स्टेम के जरिए आया, वेजिटेटिव पार्ट के जरिए आया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटैटो आई, पोटैटो आई है ना, पोटैटो को जो डीप में होता है वहां से वाइट वाइट देखो लगता भी आई हो गया, फिर वहां से ग्रीन प्लांट आएगा और इस तरीके से उसको जमीन में रखेंगे तो हो जाएगा। लीफ की बात करूं ना अगर, तो ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम बेटा एक प्लांट है जो ऑर्नामेंटल प्लांट बोलते हैं, मतलब सजाने वगैरह में इसका बहुत काम आता है। इसके लीफ बहुत आखिरी दिखते हैं इस तरीके से, यहां पे इसके लीफ में बड आ जाता है बेटा जी, और उस बड में फिर क्या, धीरे धीरे प्लांट आ जाते हैं इस तरीके से, इस बड में प्लांट आ जाते हैं इस तरीके से। और फिर इस लीफ को थोड़ा सा पानी उनी दो थोड़ा सा अच्छे से, और मिट्टी में रख दो, तो फिर वहां से एक नया प्लांट आ जाएगा, इसके स्टेम से भी प्लांट आ जाएगा। तो ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। बड से तो आता ही है नॉर्मली, है ना, जिससे फ्लावर वगैरह बनता है। रूट की अगर बात करूँ तो रेडिश, कैरेट, इन सबको अगर जमीन में डाल दोगे तो भी क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा। इसके अलावा ग्रास ले लो, ग्रास, सुगर केन, सुगर केन जो है ना गन्ना, वो भी एक घास है। जी हाँ, वो भी घास है। तो जो घास आप देखते हो, घास वो क्या होता है, एक लीफ होता है, वो लीफ होता है जो आप ऊपर देखते हैं, वो स्टेम नहीं होता है, वो पूरा लीफ होता है, पत्ता। तो घास में क्या होता है भैया, पत्ता ही तो होता है, ऐसा ऐसा उसके स्टेम नीचे होते हैं, ये स्टेम होता है, और स्टेम के अंदर ऐसा ऐसा रूट्स होता है। तो वो स्टेम ऐसे जाएंगे जमीन में, फिर वहां से नया ग्रास आएगा, इस तरीके से नया ग्रास आएगा, तो स्टेम से यहाँ भी हो रहा है ग्रास में। उसी तरह सुगर केन में भी स्टेम से होता है, सुगर केन का रूट नीचे है, ये स्टेम है। आपने देखा रहेगा सुगर केन में ऐसे इस तरीके से नोट्स होते हैं, नोट्स ऐसे लाइन लाइन, उसको बोलते हैं नोट्स, नोट्स, और नोट्स के ऊपर थोड़ा सा ऐसे बड बनता है, बड, उसको बोलते हैं बड। फिर इस बड को जमीन में डालोगे तो नया सुगर केन आ जाएगा। तो किससे हुआ, स्टेम से हुआ ना, तो स्टेम से, लीफ से, रूट से, बड से अगर रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, याद रहेगा, वेरी गुड। तो ये तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया बेटा जी। इसके अलावा आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल कैसे होता है पता है क्या? आर्टिफिशियल में होता है कटिंग, मतलब किसी प्लांट के स्टेम को काट दो और फिर उसको जमीन में डाल दो तो नया प्लांट आ जाएगा। रोज, सबसे बेहतरीन एग्जांपल रोज, गुलाब का फूल देखना आप, गुलाब के फूल को क्या करते हैं भाई, टहनी कोई भी शाख, कोई भी टहनी काट लेते हैं, स्टेम काट लेते हैं और फिर जमीन में डाल देते हैं, वहां से नया रोज आ जाता है, आता है कि नहीं? तो ये आर्टिफिशियल हो गया, हमने वो खुद से नहीं हुआ, अपने आप नहीं हुआ, हमने उस स्टेम को लिया और फिर जमीन में डाला, फिर वहां से एक नया प्लांट, नया रोज आ गया। तो कटिंग के जरिए
इसको बोलते हैं मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। राइटिंग अच्छी नहीं है, समझ के ले लेना, बार बार सर एक ही बात बोलते हो। रोज गुलाब का फूल, उसके बाद लेयरिंग कुछ प्लांट्स में होता है, ठीक है, इस तरीके से उनमें रूट होता है ऐसा, और ये मान लो ऐसा स्टेम है। अब स्टेम ऐसा निकला ना, तो ये स्टेम को मैंने क्या कर जमीन में ऐसे डाल दिया, इसके स्टेम को, तो ये अपने आप फिर धीरे धीरे ग्रो हुआ और फिर यहाँ से एक नया प्लांट आ गया इस तरीके से। फिर बाद में इसको कट कर दिया मैंने, तो एक से दो प्लांट आ गया, इसको बोलते हैं लेयरिंग। इसी तरह बेटा जी ग्राफ्टिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग क्या होता है ना, मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट का ये रूट है और ये प्लांट है, यहीं तक प्लांट, उसमें स्टेम वगैरह लीफ वगैरह मान लो नहीं है, और मुझे कोई ऐसा प्लांट चाहिए, कोई ऐसा प्लांट जैसे एग्जांपल मैंगो ले रहा हूँ मैं, मैंगो इसको बहुत टाइम लगता है बड़ा होने में, मेच्योर होने में, सीड डालेंगे फिर वहाँ से निकलेगा धीरे धीरे, फिर बड़ा होगा, फिर स्टेम लीफ वगैरह सब आएगा, बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ ऐसा पार्ट जिसमें स्टेम हो और लीफ हो, और क्या हो, लीफ हो, इस तरीके से लीफ हो इस तरीके से लीफ, कैसा बना रहे हो सर, ठीक है, चलो अच्छे से बना रहा हूँ। यहाँ पे वो प्लांट हो गया जिसमें रूट है, और यहाँ पे वो प्लांट हो गया जिसमें स्टेम है, याद ध्यान दीजिए प्लीज, और यहाँ पे लीफ है, हाँ ठीक है, इस तरीके से लीफ, मतलब आम का पेड़ का मैंने एक टहनी काट लिया जिसमें लीफ और स्टेम था, और यहाँ पे उसको ऐसा बांध दिया ऐसा, ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, ग्राफ्टिंग, GRAFTING, ग्राफ्टिंग, मतलब ये नीचे दूसरा कोई प्लांट था और इस प्लांट के ऊपर मैंने आम के एक टहनी को ऐसे बांध दिया जिसमें लीफ और स्टेम थे, धीरे 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 उसको खाना पानी जो है रूट से मिलेगा, और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स खाना पानी उसको मिलेगा, और धीरे धीरे वो ग्रो कर लेगा और बहुत जल्दी ग्रो कर लेगा। तो आम मैंगो जो है देखो किसी भी सीजन में मिल जाता है, तो ग्राफ्टिंग करते हैं ताकि मैंगो को कम टाइम लगे और वो फैला, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ में आया, लेयरिंग, क्राफ्टिंग, हाँ मतलब किसी दूसरे के पेड़ में दूसरे, इसको बोलते हैं सियोन, ये जो है ना रूट है जिस पार्ट को हम लगाते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग सियोन, खैर नाम है जाने दो, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग समझ में आया, यस सर, क्या नीचे कोई दूसरा प्लांट रहेगा उसके ऊपर दूसरा प्लांट। इसके अलावा बेटा जी एक और होता है टिश्यू कल्चर। अब ये क्या होता है, मतलब बिना मिट्टी में डाले प्लांट के टिश्यू से नया प्लांट बनाना है टिश्यू कल्चर, बिना सॉइल में डाले, ये कैसे पॉसिबल है, मुमकिन है, यस मुमकिन है। टिश्यू मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट, स्टेम से कोई पार्ट ले लो या लीफ कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट लेने के बाद क्या करो, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं हम लोग, ठीक है, उस पार्ट को, और उस पार्ट को खूब न्यूट्रिएंट दिया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है, उसको खाना पीना उसको जो भी चाहिए पूरा केमिकल के फॉर्म में यहाँ पे रहता है, पूरा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहता है, पूरा न्यूट्रिएंट्स उसको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मैक्सिमम ग्रो कर लेता है, मान लो किसी प्लेट में ऐसा रखा, यहाँ पे देखते हैं कि वो मैक्सिमम ग्रो कर चुका है, मैक्सिमम ऐसा ग्रो करता है, कुछ शेप साइज कुछ नहीं होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड शेप होता है उसका, उसको बोलते हैं हम लोग कैलस, क्या बोलते हैं, कैलस, ठीक है। उस कैलस को ना फिर टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ठीक है, उस कैलस को, और वहां पे ना बहुत सारा हार्मोन देते हैं, क्या देते हैं, बहुत सारा हार्मोन्स, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ऑक्सिन हार्मोन, है ना, साइटोकाइनिन हार्मोन, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे प्लांट का ग्रोथ होता है, ये हार्मोन का केमिकल यहाँ पे डालते हैं, फिर धीरे 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 इसमें एक प्लांट आ जाता है, ठीक है, और फिर उस प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, टिश्यू से प्लांट का बना लेना, तो ये भी क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये था बेटा पूरा हमारा और सेक्शन रिप्रोडक्शन।